हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नाउन। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि नाउन क्या है, फिर भी हम इसमें ऐसा बताने की कोशिश करेंगे कि आप वो चीज़ें जान जाए जो अभी तक नहीं जानते थे नाउन के बारे में। इनफैक्ट नाउन अभी बहुत है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। नाउन चैप्टर टू है, क्लास सिक्स। ठीक, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ नाउन। अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स और फीलिंग। नाउन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या है? नाउन बस किसी का, चाहे वो कुछ भी हो, जिस चीज़ के पास नाम है वो नाउन है। अगर मैं ये बोलूँ ये क्या है, तो आप इसको बताना चाहोगे तो इसका नाम लेना पड़ेगा ना। उसका क्या नाम है? ये स्केच है, या ये स्केच है, या ये पेन है। तो अगर ये पेन वर्ड, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना पेन, ये पेन अगर ये वर्ड होता ही नहीं तो क्या आप बता पाते हैं कि ये क्या है? तो इसी पेन वर्ड को हम लोग नाउन बोलते हैं। नाउन एक वर्ड है, इतना याद रखना। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। वो क्या है? एक जस्ट एक वर्ड है। नाउन क्या है? एक वर्ड है। ठीक, वर्ड यानी शब्द है, तो शब्द है ना ये। तो नाउन क्या होता है? या तो वो कोई पर्सन हो, यानी वो जो शब्द होता है नाम, अगर बोले हैं तो नाम या तो किसी पर्सन का होता है, अंकल, आंट, मदर, फादर, बॉय, या किसी प्लेस का नाम हो सकता है, सिटी, शहर हो सकता है, इंडिया हो सकता है, कंट्री हो सकता है, थिंग्स हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल जो दिया ना, सिंपल सा एकदम पेन का, ये जो पेन है ना, एक क्या है? थिंग है, एक सामान है। ठीक, तो ये कोई सामान का नाम हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना है कि एक ही चीज़ का नाम हो। किसी जानवर का भी तो कुछ नाम होता है, तो वो भी नाउन होगा। अगर उस जानवर का नाम है तो वो नाउन है। किसी फीलिंग का अगर नाम रख दो ना, अगर कोई, अगर बोलो मेरे पास पेन है, तो क्या ऐसा नहीं बोल सकता मेरे पास बहुत गुस्सा है? तो ये गुस्सा जो है ना, ये क्या है? नाउन है। ओके, ये फीलिंग, ठीक है, वो मेरी फीलिंग है अंदर की, और मैंने उसका नाम रख दिया गुस्सा। ठीक, तो ये भी क्या है? एक नाउन है। ओके, एंगर, इंग्लिश में एंगर बोलते हैं, सोच रहे होंगे आप लोग। ठीक है, पहले तो हम पढ़ लेंगे का नाउन को कैसे कैसे किस किस तरह के होते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना कि ये अभी एंगर मतलब नाउन क्या होता है, किसी पर्सन का नाम है। अच्छा, तो ज़रूरी है पर्सन एक बॉय है। ठीक है, बॉय है तो नाउन है, लेकिन बॉय का भी नाम होगा। एक तो बॉय है, ऊपर से उसका नाम भी होगा, तो कई तरह के नाउन हो गए ना, एक ही नाउन के अंदर कई नाउन हो गए। तो कैसा कैसे नाउन होते हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, जो पहला होता है वो कुल फाइव्स होते हैं। कुल कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज कॉमन नाउन, थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ वन इज मटेरियल, एंड द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन का क्या मतलब है? थोड़ा एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने बोला राम, नॉट राम, किसी का नाम लेते हैं, और कोई नाम लेते हैं, श्याम, बहुत हो गया राम, श्याम। ओके, ये एक नाम है। अच्छा, श्याम, तो जो श्याम होगा अब उसके अलावा और कोई तो श्याम होगा नहीं, नाम दूसरे का हो सकता है, लेकिन वो श्याम जो है उसके अंदर जो क्वालिटी है वो तो वही है, वही श्याम है। ठीक है, लेकिन श्याम है क्या? एक स्पेसिफिक नाम हो गया ना, अब उसके जैसा कोई नहीं होगा। उसके हाथ की उंगली और किसी उंगली में नहीं मिलने पड़े, उसका फिंगरप्रिंट जो होगा उसी के पास होगा और किसी के पास नहीं होता, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पेसिफिक नेम। अगर किसी का स्पेसिफिक नाम बता दो जो और कोई नहीं, इंडिया, इंडिया एक ही है भाई, अब कोई और इंडिया नहीं है, तो इंडिया एक स्पेसिफिक नाम हो गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। इंडिया हुआ, इंग्लैंड हुआ, अब एक ही इंग्लैंड है, 10 तो है नहीं। अच्छा ये बताओ, इंडिया एक कंट्री है ना, तो कंट्री जरूरी थोड़ी ना कि सिर्फ इंडिया हो, तो कंट्री को हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन, जो एक कैटेगरी में बांट दे। अच्छा श्याम क्या? एक लड़का है ना, तो बॉय बोल सकते हैं, बॉय। अब जरूरी थोड़ी ना बॉय, बॉय चलो नाउन है क्योंकि इसका नाम है बॉय, नाउन, लेकिन कैसा नाउन है? कॉमन, क्योंकि बॉय में कोई भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, और भी कोई हो सकता है, गर्ल हुई, गर्ल में भी कई सारे हो सकते हैं, तो गर्ल भी किसका एग्जाम्पल है? कॉमन नाउन का। कंट्री किसका एग्जाम्पल है? कॉमन नाउन का, क्योंकि कंट्री जरूरी थोड़ी ना एक ही हो, इंडिया और भी, अमेरिका भी हो सकता है, लेकिन अमेरिका तो 10-15 नहीं ना हो सकते, तो वो स्पेसिफिक हो गया, यानी प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन में कई हो, और जो कॉमन नाउन होता है वो कई सारे हो सकते हैं। ठीक, जैसे सिटी, शहर, अब शहर तो कोई भी हो सकता है, मैंने बस बोल दिया सिटी में रहता है वो, एक नाम रख दिया ना सिटी में, शहर में रहता है, लेकिन अब शहर भी कई तरह के होते हैं,
कौन से शहर में रहता है, मऊ में रहता है या किसी और शहर में रहता है, मुझे बैंगलोर में रहता है या कहाँ रहता है, ठीक। तो शहर का नाम रख दिया ना मैंने, तो वो जो मैंने रख दिया मऊ, अब ऐसा कोई और मऊ तो नहीं होगा, नाम हो सकता है लेकिन ऐसा मऊ और कहीं नहीं होगा। कोई चीज़ एक जगह पे एक वक्त में एक ही जगह पे रह सकती है ना, तो अब ऐसा कोई और चीज़ नहीं होगा, तो इसी को बोलते हैं प्रॉपर और कॉमन, ठीक। प्रॉपर कॉमन समझ गया हो गया, ठीक है। अगर नाम लेता हूँ राम तो ठीक है, एक प्रॉपर है क्योंकि और कोई राम नहीं होगा, लेकिन ये राम है क्या, लड़का, बॉय, ये क्या है, कॉमन है, ठीक है, कोई भी हो सकता है लड़का। कलेक्टिव नाउन का क्या होता है, जो ग्रुप्स बताए, नेम ऑफ ग्रुप्स, क्या बताए, नेम ऑफ ग्रुप्स, जो ग्रुप को डिनोट करे, अच्छा कलेक्शन को डिनोट करे। जैसे अगर मैं बोलूँ लिटर, अच्छा देखिए लिटर का मतलब होता है कूड़ा, अब कूड़ा एक तो होता नहीं है, तो तीन चार कई सारे होते हैं तब जाके कूड़ा, कूड़े होते हैं ना, कूड़े, कूड़े बोलते हैं, कूड़े यार डस्टबिन में जो रखा जाता है उसी की बात कर रहा हूँ, लिटर, ठीक है। या बोलते हैं ग्रेप्स, अंगूर अकेले नहीं होते, हम लोग क्या बोलते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स। आर्मी, आर्मी कभी भी एक होती नहीं है, आर्मी बहुत सारी होती है, कलेक्शन है ना यहाँ पे, कलेक्शन, ठीक। तो इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, मैटर, मटेरियल से ही बोल सकते हैं मैटर, अगर कोई भी मैटर का नाम, मैंने अभी थिंग्स का नाम बोला था ना, वो थिंग्स इसी में आ जाएगा, मैटर के नाम में, ठीक है। अच्छा सोना की बात करो, सोना, गोल्ड क्या है, एक पदार्थ है ना, मैटर। वाटर क्या है, एक पदार्थ है ना, मैटर, किसी किसी मैटर से मिलके बना है, ठीक है, किसी सबस्टेंस से मिलके बना है ना, वाटर, ठीक है। क्या है, सिल्वर क्या है, अपना मटेरियल है, कोई पदार्थ है, इसको बोलते हैं मटेरियल नाउन, ओके। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अच्छा डेफिनेशन में ही बोला था मैंने, फीलिंग बोला था ना, फीलिंग, अच्छा इन सब चीज़ों को आप टच कर सकते हो, याद रखना, नाउन वो सब चीज़ें हैं जिनको आप टच कर सकते हो, सिर्फ इसको छोड़ के, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको आप टच नहीं कर सकते, बस उसका एक नाम रख देते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ एंगर, अभी एग्जाम्पल जो दिया था, एंगर, एंगर मतलब होता है गुस्सा ना, इसको हम टच नहीं कर सकते। खुशी, अगर मैं बोलूँ मेरे पास पेन है, मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ मेरे पास बहुत सारी खुशियाँ हैं, खुशी हैं, तो क्या खुशियाँ कोई इंसान है, नहीं, मैं यहाँ पर फीलिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उस फीलिंग को मैं एक इंसान का दर्जा दे रहा हूँ, यानी एक नाउन की तरह रख रहा हूँ ना, उसी को बोलते हैं हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। हैप्पीनेस हमारा क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी भाववाचक संज्ञा ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को, ओके। हाँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, अगर क्लियर हो तो, अदरवाइज सुन के लिख सकते हैं। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांच नाउन होते हैं। प्रॉपर एक स्पेसिफिक नाम, कॉमन इसमें कहीं भी हो सकता है, कलेक्टिव एक झुंड में कोई रहता हो वो, मटेरियल जो किसी मैटर का नाम हो, कॉमन और कलेक्टिव में कन्फ्यूज मत होना क्योंकि बॉय झुंड की बात नहीं हो रही है, ओके। मटेरियल, ठीक है, कोई पदार्थ का नाम हो, सिल्वर, गोल्ड वगैरह वगैरह, ठीक, बस कोई मैटर होना चाहिए। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी फीलिंग का नाम, कोई भी फीलिंग, तुम्हारा लव, हेट, ये अगर, ये जो हैप्पीनेस, एंगर, ये सब क्या है अपने, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। अच्छा अब इसके अलावा कुछ केसेस पढ़ने हैं, बस ज़्यादा नहीं, बस नाउन समझ लो, एंड है, ओके। बस टाइप्स हमको समझ आ गए, काइंड्स कैसे कैसे होते हैं, ये पाँच होते हैं, इनके अलावा कोई नहीं होता, इनको लर्न कर लेना, स्पेसिफिक नेम को पर्टिकुलर, प्रॉपर नाउन बोलते हैं नेम ऑफ कैटेगरीज, एक उसकी कैटेगरी बना दिया जाए उसको, कॉमन में बोलते हैं काऊ, काऊ एक कैटेगरी है, जरूरी थोड़ी ना काऊ एक ही तरह की हो, कई कई तरह की काऊ होती है, सफ़ेद, काला, ठीक है, उसके अलग अलग नाम होते हैं, साइंस जो पढ़ेगा आगे जान जाएगा, काऊ के भी कई कई नाम होते हैं, तो वो प्रॉपर में आ जाएगा, लेकिन काऊ तो एक ही है ना, काऊ सब गायें ही हैं, तो वो कॉमन हो जाता है, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, अच्छा ठीक है। अब सम केसेस पढ़ लेते हैं, नाउन, ठीक है, पहला पहला केस है नाउन, नाउन को नंबर के बेसिस पे हम देखते हैं कि नाउन एक है या दो है, मतलब हाउ मेनी, अगर हम नंबर के बेसिस में देखते हैं तो उसको हम ऐसे बांट देते हैं, कलेक्टिव के बेसिस में, हाँ सॉरी नंबर के बेसिस में, एक है, दो है, पाँच है, दस है, अच्छा मतलब अगर गिन सकते हैं, अगर गिन सकते हैं तो काउंटेबल नाउन, नहीं गिन सकते तो अनकाउंटेबल नाउन, गिन सकते हैं तो सिंपल है, पेन, पेन को हम गिन सकते हैं, अब पेन एक ही हो या दो हो, पेन्स हो, इसको भी गिन सकते हैं, काउंट अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर, ठीक है, इसको हम गिन ही नहीं सकते तो ये अनकाउंटेबल में आ जाएगा, ठीक, याद देखिए, यहाँ वाटर साथ में क्या है, वाटर साथ में मटेरियल नाउन भी है, मटेरियल नाउन भी है और अनकाउंटेबल नाउन भी है, ओके। वाटर साथ में मटेरियल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों है, ठीक, पेन यहाँ पे देखो थिंग्स है, ओके, ये भी मटेरियल नाउन है, अच्छा, क्रॉप
कॉमन नाउन बोल सकते हैं, क्योंकि पेन भी कई तरह के होते हैं। इस पेन का नाम देखो त्रिफला है, एल्कोस की पेन है, ठीक, एल्कोस की पेन है, त्रिफला है। तो ये जो पर्टिकुलर नाम हो गया ना, ये हो गया प्रॉपर नाउन, लेकिन है तो एक पेन कॉमन नाउन, क्योंकि कई सारी पेनें होती हैं ना। अच्छा बहुत हो गया, चलिए अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो होते हैं, गिन सकते हैं तो काउंटेबल, अदरवाइज अनकाउंटेबल। अगर गिन सकते हैं तो एक है तो सिंगुलर नाउन जिसको बोलते हैं हम लोग, सिंगुलर नाउन नहीं होता, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, क्योंकि सिंगुलर होता है लेकिन उसको हम गिन भी सकते हैं। जैसे अगर पेन है तो भाई हम इसको गिन सकते हैं, इसलिए पेन बोलना है, प्लूरल होगा तो पेन्स हो जाएगा। बॉय लड़का एक है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और बॉयस होगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी प्लूरल नाउन, ये सिंगुलर ये प्लूरल। तो समझ गए सिंगुलर प्लूरल बनाना आता होगा, पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, नहीं तो बुक्स की मैं अभी स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आप लोगों को, उसमें देख लीजिएगा सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं। मैं उसकी एक अलग वीडियो बना दूंगा कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, ओके, उसके रूल्स अलग लिखवा दूंगा। सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं उसके रूल्स मैं अलग वीडियो में सेंड कर दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये वाला, ओके। तो अभी समझ लो सिंगुलर प्लूरल ये क्या है, काउंटेबल नाउन्स है ना, अरे नाउन नंबर के बेसिस पर देखते हैं ना, एक है कि दो है। अच्छा ठीक है, एक है कि दो है, पहले देखते हैं गिन सकते हैं, गिन सकते हैं तो काउंटेबल, नहीं गिन सकते तो अनकाउंटेबल। अगर गिन सकते हैं तो एक है कि दो है या पाँच है, अगर एक है तो उसको अलग कर दो सिंगुलर, अगर एक से ज़्यादा है तो प्लूरल, बस इतना ही तो है। फिर आते हैं अपने जेंडर पे, बस ये लास्ट जेंडर, ये इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लिंग। सिंपली अगर समझाएं, कोई लड़का है या लड़की है उसको बोलते हैं लिंग, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है वो। लेकिन इंग्लिश में हम चार तरह के जेंडर देखते हैं, एक होता है फेमिनिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। अच्छा फेमिनिन जेंडर यानी बोल सकते हो गर्ल, ठीक है, सी, ठीक है। मस्कुलाइन जेंडर में यही क्या हो जाता है, बॉय, ही कोई लड़के के लिए यूज करते हैं ना, ये गर्ल ये बॉय, ठीक है। कॉमन जेंडर बोथ गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, लेकिन हमको पता नहीं, हम बता नहीं सकते कि ये कौन है, सॉरी, या तो वो गर्ल होगा, बॉय और गर्ल, ठीक है, या तो वो गर्ल होगा या तो वो बॉय होगा, लेकिन हमें कंफर्म नहीं है कि वो क्या है, या तो वो, एक मिनट, या तो वो बॉय होगा या तो वो बॉय होगा या तो गर्ल होगा, लेकिन हमको कंफर्म नहीं है कि भाई वो कौन है, दोनों में से कोई भी है लेकिन कंफर्म नहीं है। जैसे मैं अगर बोलूं टीचर, चलो मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ, टीचर, ओके, ठीक है, टीचर, तो टीचर जरूरी थोड़ी ना कि कोई गर्ल हो, या जरूरी थोड़ी ना कोई बॉय, या जरूरी थोड़ी ना कि दोनों हो, टीचर कोई एक ही होगा ना, या तो गर्ल या तो बॉय, लेकिन हम बता नहीं सकते कि इस वर्ड को हम देख के नहीं बता सकते कि वो गर्ल है या बॉय, इसी को बोलते हैं कॉमन, जो हमको पता नहीं है लेकिन दोनों में से कोई भी हो सकता है। न्यूटर साफ साफ बोल सकते हैं, ये वो होता है जो न तो गर्ल होता है नॉर बॉय, न तो वो गर्ल न तो बॉय, मैंने गर्ल और बॉय का एग्जाम्पल लिया है, ठीक, न तो वो गर्ल होता है न तो बॉय, यहाँ पे ये नहीं, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे गर्ल हो सकता है या तो बॉय हो सकता है, लेकिन यहाँ पे न तो गर्ल न तो गर्ल न ही नॉर बॉय, न तो गर्ल होगा न तो बॉय, उसको बोलते हैं न्यूटर जेंडर। जैसे हम लोग बोलते हैं गे, आपने सुना होगा गे, छक्का जिसको बोलते हैं, वो होते हैं न्यूटर जेंडर, ना तो गर्ल होते हैं ना तो बॉय होते हैं, दोनों मिक्स होते हैं, ठीक। हम अगर सिर्फ बॉय रहता तो ठीक है, फिर मस्कुलाइन, सिर्फ गर्ल रहती तो फेमिनाइन, लेकिन ऐसी जगह जो हम बता नहीं सकते वो गर्ल है या बॉय, तो वो कॉमन जेंडर, कॉमन, और यहाँ पे हम बता सकते हैं कि दोनों हैं तो न्यूटर। थैंक यू।